हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सात ऐसे बेनिफिट्स के बारे में, जब आप यूजीसी नेट को क्लियर कर लोगे तो आपको कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जब आप यूजीसी नेट को क्लियर कर लेते हो। तो वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पॉइंट पे। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, जब आप यूजीसी नेट को क्लियर कर लोगे तो आपको एक फेलोशिप मिलेगी, जो आपको 37,000 पर मंथ आपको 2 साल के लिए फेलोशिप मिलेगी, क्योंकि एक अपडेट हो गया। पहले ये फेलोशिप आपको 3 सालों के लिए मिला करती थी, बट अब ये 2 साल के लिए फेलोशिप मिलती है, क्योंकि इसका जो पहले अमाउंट था वो 31,000 था, अब ये 37,000 हो गया है। इसके साथ अगर आप चाहो तो PhD या फिर आप MPhil भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है। सेकंड पॉइंट है, जब आप यूजीसी नेट को क्लियर कर लोगे तो उसके बाद जो JRF वाले कैंडिडेट होंगे उनका जो 2 साल का जो टेन्योर होगा, उस बीच में उनका जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पे उनको अगर प्रमोशन हो जाता है, जिनका JRF क्लियर हो जाता है उनको आने वाले 3 साल के लिए 42,000 पर मंथ उनको मिलने वाले हैं। एंड उनके बेस पे वो चाहे तो PhD MPhil वगैरह उस टाइम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है, चाहे पहले कर लो या बाद में कर लो। थर्ड पॉइंट इज, जब आप UGC नेट को क्लियर कर लोगे तो इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च के लिए एनरोल कर सकते हो, जिसके बेस से आप काफी सारे बेनिफिट्स ले सकते हो रिसर्च करते टाइम। फोर्थ पॉइंट इज, जब आप UGC नेट को क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंडिया के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में या फिर किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आप टीचिंग दे सकते हो, जिसके बेस से आपको काफी अच्छी सैलरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 35,000 से लेके 40,000 तक आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छा स्टार्टिंग पैकेज है। अगर आप चाहो तो अपना टीचिंग प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जिसके बाद आपको सैलरी में हाइक देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट है, अगर आपने UGC नेट को क्लियर कर लेते हो तो अगर आपने कोई भी जॉब की हो प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में, तो उससे पहले आपने सेम फील्ड में जॉब की हो, यानी कि आपने UGC नेट का जो पेपर होता है सेम फील्ड में आपने जॉब करी हो, सेम फील्ड में आपने एग्जाम भी दिया हो, तो आपके जो सैलरी के जो चांसेस होते हैं वो हाइक देखने को मिल जाएंगे। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाओगे या फिर फ्यूचर में किसी भी जॉब में जाओगे तो आपको सैलरी हाइक देखने को मिल जाती है। तो ये पांचवा बेनिफिट है। सिक्स पॉइंट है हमारा, अगर आप UGC नेट को क्लिक कर लेते हो, बाय चांस आपने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटीज में आपको टीचिंग नहीं करनी है, आपको टीचर जॉब नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर में भी जॉब पा सकते हो सेम फील्ड में, क्योंकि जब आपका CV एक अच्छा इंपैक्ट देगा, अगर आपने जैसे UGC नेट को क्लियर किया होगा उस फील्ड में आपके पास अच्छी नॉलेज हो, उस बेस पे आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी सेम फील्ड में सेम कंपनीज में, तो उसमें ऐसा होगा कि आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, सैलरी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा एडवांटेज है अगर आप UGC नेट को क्लियर कर लेते हो। सेवन्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर आप UGC नेट को क्लियर कर लेते हो तो आपके पास काफ़ी अच्छे चांसेस है, आप रिसर्चर बन सकते हो, ऑथर बन सकते हो, पब्लिशर बन सकते हो, आप इन सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फ्यूचर में आपको कोई भी आर्टिकल को पब्लिश करना हो या कोई भी बुक को पब्लिश करना हो तो आप फ्यूचर में इन सारी चीज़ों को पब्लिश कर सकते हो अपने बेसिस पे। तो दोस्तों ये थे 7 पॉइंट्स, अगर आप UGC नेट को क्लियर कर लेते हो तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लेते हैं इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।